हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। शादी से कुछ देर पहले दूल्हे के बाप की मौत, जगत्याल में शादी का घर मातम कदे में तब्दील। बेटे के शादी के चंद घंटे पहले बाप की हार्ट अटैक से मौत हो गई। यह अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के जगत्याल शहर में इतवार को पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जगत्याल के रविंद्रनाथ टैगोर नगर में बी अंजलियो नामी रिटायर्ड आरटीसी ड्राइवर ने अपने अरकान खानदान के साथ रहते हैं। उनके बेटे की शादी आज यानी इतवार सुबह 11 बजे होने वाली थी। शादी की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी, मंडप सज गया था, दोस्त अहबाब रिश्तेदार जमा हो गए थे कि अचानक सुबह के अव्वल इन सातों में अंजलियो की हार्ट अटैक से मौत हो गई। दूल्हे के बाप की मौत के साथ ही शादी के घर में सफे मातम बिछ गई। तेलंगाना में इमामों और मौजनों के एजाजे की रकम हुई जारी। तेलंगाना हुकूमत ने आइम्मा और मौजनीन के 3 महीने की तनख्वाहों की रकम जारी कर दी है, जो 14,85,00,000 रुपए की रकम है। 9,900 आइम्मा और मौजनीन के लिए महाना 5,000 रुपए के हिसाब से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के बकायाजात की इजराई अमल में आई है। एजाजे की रकम रास्त तौर पर बैंक अकाउंट्स में जमा कर दी गई है। हिजाब तनाजे पर वजीर आजम समेत पूरा मुल्क खामोश है, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कहा कि हिजाब के मसले पर न सिर्फ वजीर आजम बल्कि पूरा मुल्क खामोश है। उत्तर प्रदेश इंतखाबात के लिए धर्म के नाम पर वोट लेने की कोशिश करते हुए इस तरह की हरकतें की जा रही है। उन्होंने नौजवानों से ख्वाहिश की है कि वो मुश्तइल ना हो। केसीआर ने मजीद कहा कि मुल्क में लड़कियों को तहफ़ फराम नहीं है। कर्नाटका के स्कूल में जो हुआ, अगर वो पूरे मुल्क में होता तो सोचिए मुल्क का क्या होगा। मजहब के नाम पर सियासत बंद की जाए। जगत्याल में शिवाजी के मुजस्मे की तनसीब के मसले पर तनाजा, ओहदेदारों से बीजेपी लीडरों की हुई बातचीत। शिवाजी के मुजस्मे को निकाल देने पर तेलंगाना के जिले जगत्याल में बीजेपी के लीडरों ने धरना दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इस मुजस्मे को बलदिया और पुलिस ओहदेदारों ने मिलकर साजबाज के जरिए हटा दिया। मुजस्मे को हटाने से एक नया तनाजा खड़ा हो गया। रात देर गए इस कार्रवाई का बलदिया पर इल्जाम लगाते हुए जाफरानी जमात के लीडरों और कारकुनों ने कहा कि इस मुजस्मे को दूसरी जगह मुंतकिल किया गया है। मुकामी बीजेपी के लीडरों और कारकुनों ने मीडिया से बात करते हुए फौरी तौर पर इस मुजस्मे को उसी मुकाम पर दोबारा नसब करने का मुतालबा करते हुए धरना दिया। बात असान जिले सदर बीजेपी सत्यनारायण और दिगर कायदी ने शिवाजी के मुजस्मे को उसी मुकाम पर दोबारा नसब करने के सिलसिले में बातचीत की। सिगरेट का शौक महंगा पड़ा। सिगरेट के शौक ने एक शख्स की जान ले ली। यह वाकया हैदराबाद में पेश आया। शहर के मंगलहाट जिनसी चौराहे इलाके से ताल्लुक रखने वाला 60 साला मधुकर खराबी या सेहत की वजह से घर पर ही रहा करता था। कल इसके घर वाले किसी काम से बाहर गए हुए थे। मधुकर जो बीमार था, बिस्तर पर ही लेटे लेटे इसने सिगरेट जलाई और जलती हुई माचिस की तीली बिस्तर पर गिर पड़ी, जिसके नतीजे में आग भड़क उठी और वो 70% झुलस गया था। इसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। जान पर खेलकर हैदराबाद में पुलिस कांस्टेबल ने बचाई मां बेटी की जान। ट्रैफिक पुलिस से वाबस्ता एक कांस्टेबल ने अपनी जान पर खेलकर मां और बेटी की जान बचाई। हैदराबाद के पंजागुटा इलाके के एक अपार्टमेंट की 4th मंजिल पर वाके फ्लैट में आग लगने का वाकया पेश आया। आग लगने के बाद वहां मुखिम एक खातून और उसकी बेटी फंस गए थे। मुकामी अफराद ने उनकी मदद की कोशिश की, ताहम वो नाकाम रहे। फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी गई। इत्तला मिलते ही ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल श्रवण कुमार ने वहां पहुंचकर टेरिस से उतरकर मां बेटी को बाहिफाजत बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की और इन्हें महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। ओवैसी पर हुए फायरिंग वाकये में बकरों की कुर्बानी देने वाले कारोबारी की बड़ी मुश्किलात, केस हुआ दर्ज। उत्तर प्रदेश के मेरठ में फायरिंग के वाकये का शिकार हुए AIMIM के सरबराह और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की सलामती के लिए हैदराबाद के एक ताजिर ने 101 बकरों की कुर्बानी दी थी। अब इस मामले में कारोबारी की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। इस कारोबारी के खिलाफ पेटा ने इस सिलसिले में पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। हैदराबाद में मेट्रो स्टेशन से छलांग लगाकर खुदकुशी। हैदराबाद में एक शख्स ने मेट्रो स्टेशन से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। यह वाकया प्रकाश नगर बेगमपेट में आज पेश आया। राजू नामी शख्स ने मेट्रो स्टेशन से छलांग लगा दी। इसे मुकामी अफराद ने इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया, तब तक वो दम तोड़ चुका था। फौरी तौर पर उसकी जान देने की वजह पता नहीं चल सकी। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 12 लाख का सोना पकड़ा गया। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर के पास से 12,74,000 रुपये का मालियाती सोना जब्त कर लिया गया। जिद्दे से हैदराबाद पहुंचने वाले मुसाफिर के सामान की तलाशी के दौरान इसके पास से 248.40 ग्राम सोना बरामद हुआ। मजीद तहकीकात जारी है। यह कार्रवाई कस्टम्स के हुक्काम ने अंजाम दी। वजीर आजम के रिमार्क्स ने तेलंगाना जज्बात को फिर एक मरतबा उभार दिया। TRS और कांग्रेस दोनों ही बीजेपी पर तेलंगाना के साथ गद्दारी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और इसके रियासती कायदीन से इस्तफसार कर रहे हैं कि वो किस तरह रियासत के अवाम के सामने जाएंगे। सियासी जानकारों का कहना है कि दोनों पार्टियों के हमले बीजेपी के लिए मुश्किलात खड़ा कर देंगे। दूध पीती बच्ची का कत्ल करके मां ने भी दे दी अपनी जान। शिरखोर बेटी का कत्ल करने के बाद एक खातून ने अपनी जान दे दी। दिल दहलाने वाली यह वारदात रियासत आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर में पेश आई। गाराला देने मंडल के मौजा कल्लूर से ताल्लुक रखने वाली एक खातून ने आज अपनी 3 महीने की बच्ची को फांसी देने के बाद खुद भी फांसी ले ली। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि घरेलू झगड़ों से तंग आकर इस खातून ने यह इंतहाई इकदाम किया या फिर इसके पीछे कुछ और वजह है।
शादी की तैयारियों के दरमियान दुल्हन की मौत। शादी से एक दिन पहले होने वाली दुल्हन का ब्रेन डेड हो गया। यह वाकया रियासत कर्नाटक का श्रीनिवासपुरम तालुका में पेश आया। 26 साल चैत्रा नामी लड़की एक कॉलेज में लेक्चरर के तौर पर खिदमत अंजाम दिया करती थी। लड़की की शादी 6 फरवरी को श्रीनिवासपुरम में मुकर्रर थी। शादी से एक दिन पहले घर में तैयारियां जारी थी कि अचानक लड़की गश खाकर गिर पड़ी। इसे इलाज के लिए बेंगलुरु के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां 6 दिन इलाज के बाद कल डॉक्टरों ने बताया कि लड़की का ब्रेन डेड हो गया है। एक दिन हिजाब पहनने वाली हिंदुस्तान की वजीर आजम बनेगी, असदुद्दीन अवैसी ने कहा। इससे पहले अवैसी ने कहा था कि कर्नाटका में आइन की संगीन खिलाफवर्जी की जा रही है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हैदराबाद एमपी असदुद्दीन अवैसी ने पेशन गोई की है कि एक दिन एक हिजाबी इस मुल्क की वजीर आजम बनेगी। उत्तर प्रदेश में एक रैली से खिताब करते हुए अवैसी ने कहा कि हिजाब पहनने वाली लड़कियाँ, डॉक्टर्स, जिले मजिस्ट्रेट यानी DM, सब जिले मजिस्ट्रेट, SDM और एक दिन हिंदुस्तान की वजीर आजम बनेगी। मुस्कान को सलमान खान और आमिर खान का करोड़ों रुपये इनाम का सच। हिजाब के मसले पर बॉलीवुड की तमाम मशहूर शख्सियात अपने ख्यालात और राय पेश कर रही हैं। इस दौरान बास अफराद की जानिब से बॉलीवुड स्टार सलमान खान और मिस्टर परफेक्ट आमिर खान के नाम भी इस फहरिस्त में शामिल कर दिए गए हैं। और दावा किया जा रहा है कि सलमान और आमिर ने अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाली कर्नाटका की बहादुर लड़की मुस्कान के लिए 5 करोड़ नकद इनाम का ऐलान किया है। यूट्यूब पर ऐसे कई वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं जिनमें दावा किया गया है कि सलमान और आमिर ने मुस्कान के लिए रकमी इनाम का ऐलान किया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी पोस्टें भी वायरल हो रही हैं जहां लोग दावा कर रहे हैं कि सलमान इस लड़की को करोड़ों रुपए दे चुके हैं और मजीद रकम देंगे। ताहम इन दावों में कोई सदाकत नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। सलमान खान और आमिर खान ने इस मसले पर कोई बात नहीं की है और न ही इस मामले में कोई बयान जारी किया है। पंजाब से प्रियंका गांधी का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा RSS से पैदा हुई है ये पार्टी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने पंजाब के कोट कपूरा में आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला किया है। जलसेआम से खिताब करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि आम आदमी पार्टी कहां से उभरी है, वो RSS से निकली है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के लीडर खुद कहते हैं कि हम BJP से बड़े BJP हैं। कर्नाटका के उडुपी में 144 सेक्शन नाफिस। हिजाब तनाजे के दरमियान कर्नाटका में बंद किए गए तालीमी इदारे कल यानी 14 फरवरी से दोबारा खुलने वाले हैं। इसी तनाजुर में बाज़ पाबंदियां आयद की गई हैं। जिले उडुपी में दफा 144 नाफिस करने के अहकाम जारी किए गए हैं। रियासती हुकूमत के अहकाम के मुताबिक जिले में 14 फरवरी सुबह 6 बजे से दफा 144 नाफिस किया जाएगा और 19 फरवरी सुबह 6 बजे तक इसका निफाज रहेगा। यह फैसला तलबा और दीगर तबकात के लोगों की जानिब से हिजाब के हक और मुखालिफत में किए जा रहे एहतजाजी मुजाहरों में शिद्दत के पेश नज़र किया गया। वाज़ेह है कि कर्नाटका का हिजाब तनाजा कर्नाटका हाईकोर्ट में समात है और हाईकोर्ट ने उबूरी हुकुम के तहत स्कूलों में मजहबी लिबास पहनने पर पाबंदी लगा दी है। दिल ही दिल में मैं बहुत पहले रणबीर की दुल्हन बन चुकी हूँ, आलिया भट्ट ने कहा। मेरी शादी बहुत पहले रणबीर कपूर से हो चुकी है, दिल ही दिल में मैं बहुत पहले रणबीर की दुल्हन बन चुकी हूँ, यह कहना है अदाकारा आलिया भट्ट का। एक न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आलिया रणबीर कपूर के उस बयान का जवाब दे रही थी जिसमें रणबीर ने कहा था कि अगर लॉकडाउन ना होता तो उनकी और आलिया की शादी हो चुकी होती। आलिया ने कहा कि रणबीर का कहना दुरुस्त है लेकिन जो भी होता है आपके अच्छे के लिए होता है और अब जो होगा वो भी खूबसूरत होगा, लेकिन वो तो बहुत पहले ही रणबीर से दिल ही दिल में शादी कर चुकी हैं। आलिया अपनी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के प्रमोशन के सिलसिले में एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात कायम होने चाहिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हदबंदी कमीशन की जानिब से हाल ही में मंजर आम पर आने वाली रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा कि हम उस रिपोर्ट के खिलाफ एक मसौदा तैयार कर रहे हैं जिसको 14 तारीख से पहले कमीशन के सामने पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंद पाक के माबेन दोस्ताना ताल्लुकात से नफरतों की लहर भी टूट जाएगी। इन बातों का इजहार मौसूफ ने पुलवामा में नामाधिकारों से बातचीत के दौरान किया। रुखा तारिक की दौर की अलामत है, एक्सा सिविल कोड जरूरी, तस्लीमा नसरीन की मंतिक। बांग्लादेशी गुस्ताख रसूल मुसन्निफा तस्लीमा नसरीन ने एक मरतबा फिर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है। उसने ट्विटर पर इस सिलसिले में पोस्ट किया। तस्लीमा नसरीन ने हिजाब बुरखे को तारिक दौर की अलामत करार देते हुए कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का निफाज जरूरी है। इसने हिजाब को तारिक दौर का पट्टा करार दिया और ये मंतिक की कि बुरखा या हिजाब कभी भी औरत का इंतखाब नहीं हो सकता। इसका कहना है कि इस तराजे को खत्म करने के लिए एक्सा सिविल कोड और एक्सा ड्रेस कोड का होना बहुत जरूरी है और मजहब का हक तालीम के हक से बड़ा नहीं है। भारत में हिजाब तनाज़ा अब आलमी रुख इख्तियार करता हुआ। नई दिल्ली में ज़राए के मुताबिक भारत के जनूबी सूबे कर्नाटका में हिजाब के तनाज़े के हवाले से एक मुस्लिम तालिबा को शिद्दत पसंद हिंदुओं की जानिब से परेशान किए जाने के मामले पर वजाहत के लिए पाकिस्तान में भारत के नाज़िमुल उमूर को पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने तलब किया है। सऊदी अरब में COVID-19 के केसों की डेली तादाद 2000 से कम हो गई है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के डेली केसों की तादाद गुज़िश्ता चंद हफ्तों के बाद 2000 से कम हो गई है और गुज़िश्ता 24 घंटों में COVID-19 के 1726 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। मुमलिकत की वजारत सेहत ने हफ्ते के रोज़ इत्तला दी है कि कोरोना वायरस का शिकार 2 मरीज वफात पा गए हैं। नीज 12 फरवरी तक सऊदी अरब में COVID-19 के मजमू केसों की तादाद 7,26,251 हो गई है और इस मोहलिक वायरस से 8,971 लोगों की मौत हो चुकी है।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताजा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।